नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेक्निक इन बायोलॉजी। टेक्निक इन बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को HPLC भी कहा जाता है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, यानी क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कोई सैंपल अलग अलग कंपोनेंट का बना है, तो उन अलग अलग कंपोनेंट को यदि हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेपरेशन या आइसोलेशन के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है भाई, आपको पता है ये जो कंपोनेंट होता है वो सैंपल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब उन अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए या फिर उनका आइसोलेशन करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। आगे देखिए, इस टेक्निक का यूज मिश्रण के घटकों को पृथक करने, उन्हें आइडेंटिफाई करने और क्वांटिफाई करने में किया जाता है। किस टेक्निक का यूज, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज। ठीक है भाई, मिक्सर ले लिया और मिक्सर में आप सभी को बताया कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ये मिक्सर है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, जैसे ये कंपोनेंट प्रोटीन है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद में इसको क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई यानी जैसे कि ये प्रोटीन है, इसके अमाउंट कितनी है ग्राम में, तो ये क्वांटिफाई कहलाता है, ये क्वांटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ये किसके द्वारा किया जाता है, कंपोनेंट्स का, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक का रिजोल्यूशन पावर हाई होता है, किसका, क्रोमेटोग्राफी का। इसी वजह से इसको हाई परफॉर्मेंस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी है उसके प्रिंसिपल में बहुत सारी क्या आएंगी, फेजेज आएंगी। ठीक है, उस फेज में एक मोबाइल फेज भी आएगी। मोबाइल फेज में जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, और इसी वजह से इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यानी हाई परफॉर्मेंस तो इसका जो रिजोल्यूशन पावर हाई होता है उसकी वजह से कहा जाता है, और इसकी जो मोबाइल फेज होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है, इसलिए इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो अब कंसिडर हो गया होगा कि इसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये रिजोल्यूशन पावर उच्च तो होता है, पर ये रिजोल्यूशन पावर होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। दो कंपोनेंट के बीच डिफरेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन पावर कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कंपोनेंट का हमने मिक्सर ले लिया, क्या ले लिया, मिक्सर ले लिया। ठीक है, और यहाँ से एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, और फिर इसको क्या कर लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं। क्वांटिफाई मैंने बता ही दिया कि भाई जो क्वांटिफाई करने के, क्वांटिफाई यानी जो कंपोनेंट है उसके अमाउंट कितनी है वो ही क्या होता है, क्वांटिफाई होता है। किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये बेसिक सी बातें थी जो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होती है। आगे चलिए, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होती है वो कैसी होती है, लिक्विड होती है, है ना। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट को पोलेरिटी के आधार पर क्या करती है, प्यूरीफाई करती है, इनका प्यूरिफिकेशन करती है। किसके आधार पर, पोलेरिटी। अब ये पोलेरिटी क्या होती है, हिंदी में इसको ध्रुवता कहा जाता है। किसी अणु की जल को पसंद या ना पसंद करने की जो टेंडेंसी होती है इसी को क्या कहा जाता है, पोलेरिटी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखिए, पोलर मॉलिक्यूल, हिंदी में इसको ध्रुवीय अणु कहा जाता है, यानी वाटर लविंग, जल स्नेही, साथ में ही इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवीय अणु, ये क्या होते हैं, वाटर हैटिंग होते हैं, यानी जल विरागी, और इनको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, याद किस तरीके से रखोगे। देखो,
फिलिक, तो अपने आप पढ़ लो इनको, फिलिक जहाँ फीलिंग्स होती है वहाँ क्या होता है, लव होता है, यानी ये कैसे हैं, वाटर लविंग है, और जहाँ पर फोबिया होता है, डर होता है, वहाँ पर क्या होती है, हेट होती है, और ये क्या है, वाटर हेटिंग है, कौन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको ध्यान रखना है ये हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग होते हैं। आगे की जितनी भी जो मैटर आएगा वो सारा का सारा इसी पर डिपेंड रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलिए, प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, स्टेशनरी फेज मिलेगी इसमें आपको, और साथ में सैंपल, मोबाइल फेज, डिटेक्टर एक्सेट्रा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेशनरी फेज से, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, एचपीएलसी में एक कॉलम होता है जो कि नलिका की भांति होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉलम होता है, और ये क्या होता है, नलिका की भांति होता है। इस कॉलम के अंदर सॉलिड अब्सॉर्बेंट मटेरियल भरा हुआ होता है जो बहुत अच्छे ढंग से पैक्ड रहता है। क्या बताया स्टेशनरी फेज में, भाई इसमें एक कॉलम होता है जो कि नलिका की भांति होता है, कॉलम के अंदर ठोस अवशोषी पदार्थ भरा हुआ होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से पैक्ड रहता है, इसी की वजह से प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, स्टेशनरी फेज है और उसका ये क्या है, कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम में ठोस अवशोषी पदार्थ भरा हुआ होता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से पैक्ड रहता है, और इसी वजह से प्यूरिफिकेशन होता है। और यहाँ पर जो ठोस अवशोषी पदार्थ है वो क्या है, सिलिका है, ठीक है। स्टेशनरी फेज के थ्रू सैंपल या मोबाइल फेज पास करते हैं, ये जो स्टेशनरी फेज है इसी के कॉलम से सैंपल या फिर मोबाइल फेज क्या करते हैं, पास करते हैं। डायग्राम आएगा आगे, कंसिडर हो जाएगा। सॉलिड अब्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या है, सिलिका है। यहाँ पर आगे देखिए, ये वास्तव में कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, लेकिन इसमें कार्बन चेन को अटैच कर मॉडिफाई कर हाइड्रोफोबिक अणु में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है जो सिलिका है वास्तव में होता तो कैसा है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, लेकिन इस सिलिका के साथ में कार्बन चेन को जैसे ही अटैच करेंगे फिर उसको मॉडिफाई करेंगे और इसको हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, सिलिका सबसे सामान्य सॉलिड अब्सॉर्बेंट मटेरियल है, यानी अब ये जो C18 है ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि इसके साथ में कार्बन चेन को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। वास्तव में सिलिका है कैसी, हाइड्रोफिलिक है, लेकिन कार्बन चेन को जैसे ही अटैच और मॉडिफाई करेंगे तो इसको हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सैंपल, सैंपल भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लड से कंपोनेंट को अलग करना, और बैक्टीरियल टॉक्सिन से सैंपल को अलग करना, फंगल टॉक्सिन या फिर कोई पादप पदार्थ हो सकता है जिसका हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है या करना है, ठीक है। तो सैंपल कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब देखिए यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन में होता क्या है, 90% तो यहाँ पर पानी होता है और 10% यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर जो 90% पानी है, ये जो पानी है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। तो मोबाइल फेज में जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जो वाटर होता है वो कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो यहाँ तक तो कंसीडर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम आगे इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो आपका, ओके। देखिए यहाँ पर सैंपल लेते हैं, क्या लेते हैं, सैंपल, सैंपल मोबाइल फेज के साथ मिक्स होता है, ये क्या है, मोबाइल फेज है।
मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही वाटर लविंग सैंपल और मोबाइल फेज को यहाँ पर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। मोबाइल फेज के बाद में जो फेज आती है वो कौन सी फेज होती है, स्टेशनरी फेज होती है। स्टेशनरी फेज का ये क्या है, कोलम है, और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक होती है। सैंपल के मॉलिक्यूल जो कॉलम से यहाँ पर पास हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो सैंपल के मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी फेज के कॉलम से पास होते हैं, यानी जो स्टेशनरी फेज का जो कॉलम है वो ही प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, वहीं से प्यूरिफिकेशन होता है। तो जो सैंपल यहाँ से पास हो गए वो यहाँ जाते हैं, कॉलम के आगे एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ से पास होंगे वो किसके पास आएंगे, डिटेक्टर के पास आएंगे। डिटेक्टर क्या करेगा, सिस्टम के पास में एक सिग्नल भेजता है, डिटेक्टर से कलेक्टिंग ट्यूब अटैच होती है, और जो डिटेक्टर जिन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, इस कलेक्टिंग ट्यूब में अटैच हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है आपकी, वो ये है, ये जो स्टेशनरी फेज है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो जो सैंपल होता है उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, भाई दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही मॉलिक्यूल सैंपल में प्रेजेंट होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, भाई सैंपल में तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ से क्या हाइड्रोफोबिक जो सबस्टांस हैं वो यहाँ से पास होंगे, यस या नो, पास होंगे क्या स्टेशनरी फेज के कॉलम से? तो नो, नो क्यों कहा, नो इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। जो हाइड्रोफोबिक सबस्टांस या फिर जो मॉलिक्यूल या फिर जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्म में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो कॉलम से पास नहीं हो सकते। पास कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएंगे, डिटेक्टर के पास में जाएंगे। डिटेक्टर इन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेगा, सिस्टम के पास में सिग्नल भेजेगा, और फिर क्या होगा, जो कलेक्टिंग ट्यूब है इसमें सबसे पहले जो मॉलिक्यूल कलेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल कलेक्ट हो रहे हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कलेक्ट हो रहे हैं। हाइड्रोफोबिक क्यों नहीं जाएंगे यहाँ से, कॉलम से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यहाँ पर वो बना लेंगे, इस वजह से। ये वाला अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी, अभी आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले कॉलम से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास होंगे, बता दिया। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक के साथ में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, बॉन्ड फॉर्म नहीं करते तो आराम से निकल जाएंगे कहाँ से, कॉलम से। कॉलम से पास होकर ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल किसके पास में जाएंगे, डिटेक्टर के पास में जाएंगे। फिर क्या करेंगे, डिटेक्टर सिग्नल सेंड करता है किसको, सिस्टम के पास में। तो ये एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, जो कि ज़्यादातर इसका जो यूज है वो केमिस्ट्री में किया जाता है। आगे देखिए, इनिशियल फेज में जब सैंपल को कॉलम पर रन नहीं करते हैं, कौन सी फेज में नहीं करते भैया, प्रारंभिक फेज में नहीं करते, यानी ये वाली प्रोसेस है वो इसके पहले की है, एवं केवल बफर पास करते हैं, बफर पीएच को मेंटेन करने के लिए। कॉलम को रेडी किया जाता है किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। इनिशियल फेज में क्या होता है, सैंपल को कॉलम पर रन नहीं करते, केवल क्या करते हैं, बफर पास करते हैं, है ना। बफर पास क्यों करते हैं, बफर क्या है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, या फिर कॉलम को रेडी किया जाता है किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर इसे डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। सिस्टम पर केवल एक सीधी रेखा डेवलप होती है और इसे क्या कहा जाता है, बेस लाइन कहा जाता है। ऊपर देखो एक बार,
यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिस्टम है, है ना, और यही क्या है, बेसलाइन है। जब सैंपल को इस कॉलम पर लोड नहीं किया जाता है तब क्या किया जाता है, केवल बफर पास करते हैं। बफर पास करते हैं तो सिस्टम पर एक लाइन डेवलप होती है और इसी को क्या कहा जाता है, बेस लाइन कहा जाता है, है ना। अब देखिए आगे, मोबाइल फेज को जब कॉलम पर लोड करेंगे, क्या करेंगे, लोड करेंगे और डिटेक्टर पर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट डिटेक्ट हुए तो सिस्टम पर पीक डेवलप होगी। कौन सी पीक डेवलप होगी, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की डेवलप होगी। भाई सिस्टम पर बेस लाइन तो बन ही गई, इसी बेस लाइन पर क्या बनेगी, हाइड्रोफिलिक पीक डेवलप होगी। हाइड्रोफिलिक पीक कैसे डेवलप हुई, भाई सैंपल मोबाइल फेज के साथ में क्या होता है, अटैच होता है, उसको पंप करते हैं, फिर स्टेशनरी फेज में उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। स्टेशनरी फेज में जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो तो वहाँ पर रह जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाते हैं। हाइड्रोफिलिक ही निकले ना, हाइड्रोफिलिक निकले तो सिस्टम पर कौन सी पीक डेवलप होगी, हाइड्रोफिलिक ही होगी, है ना। आगे देखिए, डिटेक्टर के साथ कलेक्टिंग ट्यूब अटैच होती है और पहला मटेरियल जो कॉलम से बाहर निकल करके आया वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, है ना। देखो यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल निकल करके आता है वो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे आप क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब देखिए नोट में, अब जो सैंपल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो कॉलम में बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, जो हाइड्रोफोबिक कॉलम में ही रह जाते हैं और वो एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोबाइल फेज में पोलरिटी चेंज करते हैं। बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे, अरे भाई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का प्यूरिफिकेशन तो हो गया, सैंपल में तो हाइड्रोफोबिक भी होते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन भी करना ज़रूरी होता है। प्यूरिफिकेशन उनका कब होगा, जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोबाइल फेज की पोलरिटी को चेंज करेंगे, तब। चेंज क्यों करेंगे, एक लाइन मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि HPLC कंपोनेंट को पोलरिटी के आधार पर प्यूरीफाई करती है, पोलरिटी के आधार पर प्यूरीफाई करती है तो पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, प्यूरीफाई हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना। अब देखो चेंज किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर 10% वाटर लेंगे और 90% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, यानी जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर, है ना। अब ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, अध्रुवीय अणु हो जाएंगे। कैसे होते हैं ये, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल विरागी होते हैं, जल से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। अब देखो स्टेशनरी फेज में जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे वो धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, वॉशअप हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे और वो कॉलम से पास आउट हो जाते हैं। भाई वॉशअप होंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे और डिटेक्टर उन्हें क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, सिस्टम पर फिर से एक पीक जनरेट होगी। देखो ये सिस्टम था और ये क्या है, बेस लाइन थी, बेस लाइन पर एक पीक तो पहले से जनरेट थी, वो कौन सी थी, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की पीक थी। अब दूसरी भी जनरेट हो गई, ये कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिक की होती है। ये कब जनरेट होती है, जब आप पोलरिटी चेंज करते हो तब। अब देखिए ये बता दिया मैंने आपको, अरे इस तरीके से जो ग्राफ है ये सिस्टम पर डेवलप होता है और इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, सिस्टम पर बेस लाइन के ऊपर हाइड्रोफिलिक पीक जनरेट होती है और दूसरी तरफ एक हाइड्रोफोबिक पीक जनरेट होती है, है ना। ये ग्राफ बनता है कहाँ पर, सिस्टम पर, इसी को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राम कहा जाता है।
आगे देखिए, डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्रोमेटोग्राम है। इधर हमने वाई ले लिया, इधर हमने अक्स ले लिया, इधर कंसंट्रेशन लिया है और इधर रिटेंशन टाइम लिया है। ये वाली जो पीक है ये हाइड्रोफोबिक पीक है, और ये वाली जो पीक है भैया ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक है। अब ये जो एरिया है ये क्या है, पीक एरिया है ना। तो अब दिमाग में आएगा रिटेंशन टाइम क्या होता है, क्या होता है रिटेंशन टाइम, कंपोनेंट कॉलम में कितने टाइम तक रहता है, वो क्या होता है, रिटेंशन टाइम होता है। पीक एरिया को कैलकुलेट करते हैं जिससे कंपोनेंट्स का कंसंट्रेशन क्या पड़ता है, मालूम पड़ जाता है। ये वाला जो पीक एरिया है ना, इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये जो कंपोनेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। कॉलम पर मॉलिक्यूल को पास करने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। भाई जो मॉलिक्यूल है वो कॉलम के द्वारा पास करते हैं ना, तो वहाँ पर जो प्रेशर लगता है वो हाई लगता है, इसीलिए इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पता चल गया। अब देखो नोट में, प्रॉपर हाई प्यूरिफिकेशन के लिए हाई प्रेशर डालना ज़रूरी है। भाई आपका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हाई प्रेशर डालना ज़रूरी है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। UPSC के जो बच्चे होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना टाइम लग जाता है उनको क्लियर करने में पेपर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक साल में ही कर लेते हैं, है ना। और RPSC नहीं होती बच्चों से एक साल में, तो और कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं जो एक ही साल में कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूरा फोकस उसी पे रखते हैं, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करते। उनका मेन मोटो यही होता है कि मेरा मेन मोटो सिलेक्शन है, तो वो पूरी जी जान लगा देते हैं, मतलब 100% देने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। तो उनकी तो बात ही अलग है। तो पढ़ने को तो सारे ही पढ़ते हैं। देखो आओ यहाँ पर, इधर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के लिए हाई प्रेशर डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। किसको, HPLC को, है ना। और एनालिटिक पर्पज के लिए इसका उपयोग कई स्थानों पर होता है। तो इसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और इसका जो यूज है वो आपको ज़्यादातर केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, है ना। आगे देखिए, नॉर्मल फेज पे जो मोबाइल फेज होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और स्टेशनरी फेज कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। रिवर्स फेज में जो मोबाइल फेज होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, और जो स्टेशनरी फेज है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये था, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। और ये क्रोमेटोग्राफी का अपना फर्स्ट पार्ट था, सेकंड भी आएगा क्योंकि उसमें टाइप्स वगैरह हैं। तो दो वीडियो और मान के चलो, फिर टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।